to Viba Cocoa, powered by Daawat Basmati Rice and Tata Sampann. Well, ek amazing meal ka secret kya hai? Khana banana sirf chhonk lagana ya thoda masala dalna nahi hai. Wo ek kala hai. Thoda sa art, phir sara passion and pyaar swad anusar. Aaiye, isi thought ke saath hum start karenge aaj ka episode jahan again honge teen amazing contestants aur wo ladenge ek dusre ke saath to give us a fantastic dish. To hamare pehle chef hain. Hi, mera naam Siddharth Nair hai. Standard 7 se hi chef Sanjeev Kapoor ko television pe dekh raha hu. Standard 10th mein mom ne jab mujhe oven gift kiya tab se cooking ko leke mera passion aur bhi badh gaya. Ye show isliye important hai kyunki main apna talent yahan pe dikha sakta hu. Chef Sanjeev Kapoor ke sath stage share kar raha hu. Mujhe lagta hai ki ye show ke baad celebrity chef banne ka jo mera sapna hai wo pura ho sakta hai. मेरा नाम यन वाला वालकर है. ये शो पे आने से मुझे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे मैं अपने स्किल्स डिस्प्ले कर पाऊँ और मुझे एक मौका मिलेगा संजीव कपूर जी जैसे फूड आइकॉन के साथ स्टेज शेयर करने का. अगर मैं यहाँ से जीतूँ तो ऑफकोर्स मैं एक नाम कमा के जाऊँगा और अगर हारा भी तो यहाँ से मैं बहुत कुछ लेके जाऊँगा और ये मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन ही है. मेरा नाम सुशोभन जोशी है. ये कुकिंग शो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दिखाने के लिए जो काफ़ी बार मेरी कुकिंग सीरियसली नहीं लेते कि कुकिंग मेरी हॉबी नहीं बल्कि मेरा पैशन है. मेरे मम्मी और पापा दोनों ने मुझे शेफ के करियर चॉइस करके काफ़ी सपोर्ट किया है. जब वो मुझे देखेंगे इन बड़े शेफ्स के सामने परफॉर्म करते हुए तो उनके चेहरे पे जो खुशी होगी वही मेरे लिए सब कुछ है. ऑलराइट, कंटेस्टेंट्स तो आ गए हैं लेकिन इन कंटेस्टेंट्स के बीच जो मुकाबला होगा ये कौन डिसाइड करेगा कि किसकी डिश परफेक्ट है? Well, उसके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर जजेस. इस साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ हर घर की शान खिचड़ी. इसका बहुत बड़ा हाथ जाता है हमारे जज को. जी हाँ, हर घर की शान तो ये भी है. प्लीज वेलकम पद्मश्री अवॉर्डी शेफ संजीव कपूर. वेलकम अनदर पद्मश्री अवॉर्डी हमारे भारत के बेहतरीन सिंगर श्री हरिहरन जी. अगले जज हैं हमारे किचन पार्टनर स्टोसा के चेयरमैन. प्लीज वेलकम मिस्टर रमेश मोदी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस कॉन्टेस्ट को. इस कॉन्टेस्ट में होंगे दो राउंड्स. हर राउंड में मिलेगा आपको एक मिस्ट्री बॉक्स. मिस्ट्री बॉक्स में होंगे मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स जो आपको अपनी डिश में इस्तेमाल करनी है. आपको इस बॉक्स के सारे इंग्रेडिएंट्स को कंपल्सरिली यूज करना ही करना है. इसके अलावा आपको मिलेगा एक्सेस टू आवर अमेजिंग पैंट्री जहाँ से आप ले सकते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ योर ओन चॉइस to make your dish even more exciting. इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 30 मिनट. तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं इस मिस्ट्री बॉक्स को जिसे देख के मुझे भी वाकई बहुत टेंशन होने लगता है. ओके, सो ऑन द काउंट ऑफ 3 वी आर गोइंग टू ओपन दिस मिस्ट्री बॉक्स. 3, 2, 1. सबसे पहले मैंने देखा कि सब सेवरी आइटम्स है स्ट्रॉबेरी को छोड़ के. मैं 2 सेकंड के लिए चौंक गया था क्योंकि अंदर मैं देखा बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग इंग्रेडिएंट्स थे. जैसे मैं देखा स्ट्रॉबेरी था उसके साथ जिंजर था. बहुत ही अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है. ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब अकेले में अच्छा है. हाँ. ये साथ में क्या बनेगा समझ में नहीं आ रहा. तो चलिए लेट्स बिगिन. आपके 30 मिनट शुरू होते हैं अब. जैसे ही मैं पैंट्री की तरफ भागा मेरे मन में यही था कि मैं पनीर के साथ क्या डाल सकता हूँ. मेरे डिश को एक ट्रेडिशनल टच देने के लिए मैं बढ़ा टाटा संपन्न मसाले की तरफ और फिर मैंने सोचा कि एक थोड़ा अलग टच देने के लिए मैंने फिर बारबेक्यू सॉस किया. मैं बेचैनी में पड़ गया कि इससे मैं क्या डिश बना सकता हूँ और सोचते सोचते सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ और देखा काफ़ी अच्छा फ्रेश ब्रेड था तो मैंने वो उठाया. थोड़े और वेजिटेबल्स उठाए और मुझे सबसे अच्छा लगा स्वीट अनियन क्योंकि मेरे दिमाग में कॉम्बिनेशन था क्रॉस्टिनी के लिए जो मैं स्वीट और स्पाइसी करना चाहता था. तो जैसे ही मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जमा कर लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज को लिया
उनको बीच में से काट के ब्लेंड किया अच्छे से, और वो प्यूरे को मैंने रिड्यूस किया एक पैन में, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला सीजनिंग के लिए, शुगर डाला, और उसके बाद उसमें एक यूनिक सा इंग्रेडिएंट जिंजर डाल के थोड़ा सिमर किया ताकि उसमें उसका फ्लेवर आ जाए और उसका एक अच्छा सा सॉस बनाया। डिश के लिए मैंने नाम सोचा थ्री वे पनीर, दूसरा बारबेक्यू बेस्ड और तीसरा इटालियन। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था पनीर और स्नो पीस, वो थोड़ा मुझे लगा कि मेरे डिजर्ट के साथ नहीं जा सकता, पर मुझे रिस्क लेना था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पनीर और मटर को साथ में ग्राइंड करूंगा और उसे थोड़ा सा टैंगी इफेक्ट दूंगा ताकि मेरे ब्रेड पुडिंग को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। क्या बना रहे हो? मैं क्रोस्टिनी बना रहा हूँ और जिसका बेस पे क्रीम चीज रहेगा और एक स्वीट अनियन सॉस रहेगा, और ये स्ट्रॉबेरी का कुछ आपने प्यूरे करके रखा है। वो जो ट्विस्ट था स्ट्रॉबेरी और जिंजर का, मैं एक जिंजर इन्फ्यूज स्ट्रॉबेरी क्यूली बना रहा हूँ। बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, पर आई होप इट वर्क्स। कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट सुशोभन। यस सर। क्या चल रहा है? तो मैं तीन टाइप के पनीर बना रहा हूँ। तीन तरीके के पनीर? अच्छा, एक तो आधा घंटा मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स, उसमें तुम कह रहे हो कि तीन डिशेस बनाएंगे। आ बैल मुझे मार, बन जाएंगे? थोड़ा हो रहा है लेकिन बन जाएगा। बन जाएगा। इनकी हेल्प करो प्रभु। शेफ, डिजर्ट बना रहा हूँ। हाँ, जिसमें मेरी मॉम बहुत पहले बचपन में मुझे ब्रेड पुडिंग खिलाती थी कोकोनट मिल्क के साथ, क्योंकि कोकोनट मेरा फेवरेट है। हाँ, तो आज मैं वही बना रहा हूँ, पर उसके अंदर मैं स्नो पीस और कॉटेज चीज का बुर्जी जो है उसको थोड़ा स्वीटन करके स्टफ करने वाला हूँ। शुगर के साथ इसको कैरमलाइज करूंगा और इसका ट्विस्ट बनाऊंगा, और साइड में स्ट्रॉबेरी एंड पेपर कूजी करना। एक तो प्याज और अदरक, ऊपर से स्ट्रॉबेरी और मिर्ची, और तुम कह रहे हो मीठा बना रहे हो, डरा तो नहीं रहे क्या? नहीं, नहीं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कॉन्फिडेंस कि बन जाएगी। अगर विश्वास करो ना तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो विश्वास के साथ में बनाओगे तो मिर्च का हलवा भी बन सकता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। द बेस्ट पार्ट वाज जब संजीव कपूर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी से एक इंस्पिरेशनल लाइन बोली, जिससे मैं और मोटिवेट हो गया और मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गया और मुझे लगा कि आई कैन क्रैक दिस। तो जब मैं एक्चुअल खाना बना रहा था तब मैं ब्लांचिंग के लिए पानी रखा था, वो पॉट का बेस हैवी होने के वजह से पानी हीट होने में बहुत टाइम लग रहा था, इसकी वजह से जो स्नो पीस थे मेरे क्रोस्टिनी में उनको थोड़ा टाइम लगा होने में और डननेस में मुझे लगा थोड़ी दिक्कत हुई, इसलिए मुझे एंड में वो पैन में कम्प्लीट करना पड़ा प्रोसेस। 10 मिनट बचे हैं, थोड़ा स्पीड अप कर लीजिए, ध्यान रखिएगा आपको प्लेटिंग भी करना है। मैंने अपना पनीर कुक करने के लिए ओवन में डाल दिया। अब मेरे मन में यही चल रहा था कि टेम्परेचर ठीक किया है कि नहीं, टाइम से ठीक किया है कि नहीं, इसी वजह से मेरी टेंशन और बढ़ गई। येन और सुशोभिन बहुत ही क्विक है काम करने के टाइम, थोड़ा मेरे को लग रहा था मैं थोड़ा पीछे हूँ। 5 मिनट सिर्फ बचे हैं, आई थिंक अब प्लेटिंग की तरफ प्लीज ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो जब मैं कुकिंग कर रहा था तो बार बार एक ही सवाल मुझे सता रहा था कि ये 30 मिनट्स में मेरी डिश कंप्लीट होगी या नहीं, पर एट दी एंड जब मैंने देखा कि दोनों कंटेस्टेंट से जल्दी मेरी डिश हो गई थी। कोई हादसा हो जाए और समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी प्लेट समय से हमारे पास नहीं पहुंची तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ब्रेड पुडिंग में मुझे सिर्फ स्टफिंग डालना था और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि ब्रेड पुडिंग मेरा बहुत स्टिकी था और उसके अंदर कुछ स्टफ करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। आखिरी 30 सेकंड। 30, 29, 28 आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hands up. Let's begin with Shishoban. जब मैं अपनी डिश जजेस के सामने ले जा रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जजेस क्या बोलेंगे, मेरे मन में पूरा उसके बारे में टेंशन था। मजा आ गया, but I think you've just done a fantastic job. I love what you've done with the chutney. The compote is very good. Strawberry को आपने बड़े अच्छे से बनाया. अदरक और नमक, उसमें नमक ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है. Crunch है, taste है. पनीर में तीन अलग variety देना. Overall dish very nice. एक चीज़,
एक इंग्रेडिएंट आपका स्नो पी, वो आपने किनारे में छोड़ दिया इतना सा पीस की इस्तेमाल करना चलो रख दो। दूसरी बात कि आपने टिक्का बनाया है तो समय आपके पास में कम था, अवन में पूरा जस्टिस नहीं हुआ, पैन पे भी कर सकते थे ग्रिल, आपके पास में ग्रिल पैन है तो वो थोड़ा सा कच्चापन लग रहा है, बट अदर देन दैट फैंटास्टिक, वेल डन। All right, who do we call next? I think let's call Yen because मीठा हम last में खाएंगे। थोड़ी सी nervousness हुई जब मैं जा रहा था dishes को लेके, judges के expressions को लेके भी मुझे थोड़ा लगा कि क्या क्या बोलेंगे, कैसा लगेगा। हाँ जी मोदी जी, क्या कहें? Dish simple है पर taste अच्छा है। Yen, ओवरऑल प्रेजेंटेशन वेरी नाइस, बहुत अच्छी डिश दिख रही है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर्स बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ टेक्सचर्स बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट ऑफ टेस्ट बहुत अच्छा है, जो सॉस आपने स्ट्रॉबेरी और जिंजर का कॉम्बिनेशन दिया है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, थोड़ा सा उसमें और ग्लॉस आ सकता था, थोड़ी सी स्वीटनेस उसमें और आ सकती है, कॉन्ट्रास्ट और बेटर हो जाता, पर फिर वही कहूँगा बहुत सिंपल डिश रखी है। So now time for Siddharth. जो डिज़र्ट मैंने डिसाइड किया था मैंने वैसे ही उसे एग्जीक्यूट किया था, और जिस समय मैं जजेस के पास चल रहा था अपने डिज़र्ट प्लेट्स को लेके मैं बहुत ही हैप्पी था। जब जजेस ने मेरा डिज़र्ट टेस्ट किया और मैं उनके एक्सप्रेशन को समझ ही नहीं पा रहा था और थोड़ा डर गया था कि मे बी उन्हें पसंद आया होगा कि नहीं। Siddharth, get out. And call your mom. This is fantastic. It really is. Very, very. बहुत अच्छा स्वाद है। इतनी कॉम्प्लिकेशन मुझे नहीं लग रहा था कि आप इसको कंप्लीट कर पाओगे और इस तरह से एग्जीक्यूट कर पाओगे। Well done. One of the best dishes that we have eaten in this show. Well done. So mean SK, उसको रुला दिया आपने। Chef संजीव कपूर ने मुझे बोला get out, मैं थोड़ा confused हो गया कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो। पर उन्होंने बोला get out and call your mom and that is when I was very happy. मैं समझ गया था कि उन्हें मेरा dessert बहुत ही अच्छा लगा। जो अगले round में जाएगा। Welcome back to Viva Cook Off, powered by Daawat Basmati Rice and Tata Sampann. Yen ka banaya hua crostini, Sushobhan ke varieties of paneer ya phir Siddharth ka dessert. Mukabla takkar ka, faisla judges ka. Dekhiye kaun badhta hai final round ki or. Jo agle round mein jayega. वो है सिद्धार्थ। वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। अब बात आ जाती है येन और सुशोभन पे। आपने क्रॉस्टिनी बनाई, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें, एक छोटी सी कमी, बहुत सिंपल डिश। सुशोभन, आपने तीन अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए, एक छोटी सी कमी कि उसको पूरा पकाने में कहीं थोड़ी सी कमी। आज सिद्धार्थ के साथ जो अगले राउंड में कंपीट नहीं कर पाएगा वो है सुशोभन। वेल डन सुशोभन, थैंक यू। एलिमिनेशन होने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैंने यहां से क्या सीखा है। मैंने यहाँ से सीखा कि प्रेशर में कैसे काम किया जाता है, और वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की ओर। सेम रूल, सेम प्रोसेस, लेकिन कंपटीशन अब बढ़ गया है। ये फाइनल राउंड है, ये विनिंग राउंड है। आपके पास जो मिस्ट्री बॉक्स पड़े हैं उसे खोलिए। मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें आपको अपनी डिश में इस्तेमाल करना ही
करना है। तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं मिस्ट्री बॉक्स ऑन द काउंट ऑफ थ्री, 3, 2, 1। मैंने देखा कि फेनल था और उसके साथ पेपर्स थे और मशरूम्स थे, तो मैं सोच में पड़ गया कि इन तीनों को मैं किस प्रकार से इनकॉर्पोरेट करूं ताकि मेरे को एक अच्छी डिश मिले। जैसे ही मैंने मिस्ट्री बॉक्स खोला उसमें से सबसे पहली चीज़ मुझे दिखी थी वो फेनल थी, और फेनल मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ को किसके साथ मैच किया जा सकता है। आपके 30 मिनट शुरू होते हैं अब। मुझे पता चला मुझे क्या बनाना है, मैं भागा चला गया पैंट्री के पास, जो भी इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए थे वो मैंने ले लिए। इस बार मेरे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर था कि मुझे क्या उठाना है, तो मैंने सॉसेस बहुत अच्छी तरह से फटाक से उठा लिए। आते ही सबसे पहले मैंने मेरा चिकन को मैरिनेट किया थाइम के साथ, मशरूम चॉप करने लगा, टमाटोज काटने लगा, और मैंने अपना मीज ऑफ रेडी रखा था। तो जब मैं पैंट्री से सारे इंग्रेडिएंट्स लेके अपने स्टेशन पहुंचा तो मैंने फटाक से सारी तैयारी करके कुकिंग प्रोसेस चालू कर दिया। क्या बना रहे हो? मैं एक बना रहा हूँ कॉर्नफ्लेक्स से क्रस्ट किया हुआ चिकन, जिसको मैं बेक करूँगा ताकि एक क्रिस्पी टेक्सचर मिले, और ये जो मिस्ट्री इंग्रेडिएंट है वीबा का चिली और गार्लिक सॉस, उसका मैं एक मेयो बेस्ड ड्रेसिंग बनाऊंगा। और पीता ब्रेड? पीता ब्रेड के मैं चिप्स बनाऊंगा ताकि सैलेड में कुछ क्रंची एलिमेंट आए। 30 मिनट हैं, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। सुशोभन इसलिए निकल गए क्योंकि उनका पनीर पका नहीं था। आप भी बाल बाल बचे हो, ऑल द बेस्ट। पहले तो मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट किया सॉल्ट पेपर चिली फ्लेक्स में, उसके बाद उसे मैंने कॉर्नफ्लेक्स में कोट किया और अच्छे से सियर कर लिया ताकि उसको एक क्रिस्पी आउटर एज मिले और एक जूसी इंटीरियर, और उसके बाद मैंने उसको ओवन में डाल दिया। क्या बना रहे हो? मैं एक पिज़्ज़ा ब्रेड सैंडविच बना रहा हूँ, इसमें भी मैं थोड़ा स्वीट डालूंगा चिकन को, थोड़ा स्वीटिश टेस्ट। हाँ, तो जो फेनल मेरे पास है मैं उसको ऑरेंज मार्मलेड के साथ थोड़ा रिड्यूस करूंगा, तो जो स्वीटनेस देगा और फेनल का भी अपना थोड़ा सा फ्लेवर होता है। टाइम कम है और एक चीज, मीठे में मीठा तो अच्छा है, नमकीन में मीठा बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। ऑल द बेस्ट। सिद्धार्थ ने सिंपल सैंडविच का सोचा है, पीता ब्रेड के अंदर चिकन और ऑरेंज मार्मलेड के साथ में स्वीटनेस देना चाहता है। हाँ, येन ने थोड़ा सा रिस्क लिया है, बट कॉम्पिटिशन है, रिस्क भी लेना चाहिए। तो मैंने पहले तो सैलड के लिए गाजर था उसको बॉइल किया, और उसके साथ ही साथ लेटिस, टमेटोज और बाकी मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कट करके एक बोल में डाल दिया। मैं हमेशा अपने डिश में कॉम्बिनेशंस रखता हूँ स्वीट एंड सारनेस का और सेवरी का, और जब मैंने अपना प्रेपरेशन चालू किया था मुझे ग्राइंडर नहीं मिला था स्टार्टिंग में, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 10 मिनट बचे हैं, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। बाद में मैंने वीबा का ड्रेसिंग यूज करके एक नया ड्रेसिंग बनाया, जिसमें मैंने मेयोनेज और वीबा का चिली सॉस यूज करके एक स्पाइसी ड्रेसिंग बनाया। बहुत सारे डिशेस थे जो कॉम्पोनेंट थे जो मुझे बनाना था, उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा था, मैं थोड़ा डर गया था कि मेरा डिश कंप्लीट होगा। 5 मिनट्स। सिद्धार्थ काम डाउन, ये खेल धैर्य का है, टेंशन में आके कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा। आप दोनों को जीतना है तो मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, उतना ही खाओ जितना पचा सको। चिकन के लिए एक क्रीमी मशरूम सॉस बनाया, जिसमें मशरूम मेरा मिस्ट्री इंग्रेडिएंट था, और उसके बाद मैंने उसको क्रीम से डाइल्यूट करके थोड़ा गार्लिक और थाइम से फ्लेवर किया। येन मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था इस कॉम्पिटिशन में, वो बहुत ही क्विक है, उसके प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अमेजिंग है। जब मैं काम कर रहा था मैंने देखा कि उसका प्रेजेंटेशन चालू हो चुका है। लास्ट 2 मिनट्स, जो प्लेट में है वो ही चखा जाएगा। दौड़ में जो पीछे देखकर भागते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। This is the final deciding moment. Come on, let's begin with the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. चलिए, let's begin with Jens. मैं जब डिश लेके जजेस के पास जा रहा था तब मुझे वो ऐसी नजरों से घूर रहे थे कि मुझे लगा कि क्या होगा अभी। I like the crunchiness. On the whole, chicken is beautifully cooked. Crispiness with the cornflakes जो आपने attempt किया। सॉस की कंसिस्टेंसी अच्छा है, मशरूम उसमें उठ के आ रहे हैं,
जो आपने चिप्स बनाए हैं पीता के, नाइस एंड क्रिस्प। बाकी इंग्रेडिएंट्स आपने ऐसे ही छोड़ दिए, लेकिन जो सॉस आपने चिली और गार्लिक डिप के साथ में खेला है वो भी अच्छी लग रही है। उसको थोड़ा सा चिकन के साथ में करते तो और ज्यादा अच्छा होता। ऑल इन ऑल वेरी गुड डिश। ओके सिद्धार्थ, रेडी? यस। चलिए आ जाइए। कह देना कि आंखों से ही पहले खाना खाया जाता है, इसलिए मैंने इस बार भी अपने प्रेजेंटेशंस पे बहुत ध्यान दिया एंड आई बिलीव आई नेल्ड इट। एज ए ओपन सैंडविच, वेरी गुड आइडिया। जितने इन्ग्रीडियंट्स हैं उनको एक साथ मिलाना, एक साथ सर्व करना चैलेंजिंग है। क्रिस्प टेक्सचर को ओपनली इस तरह से ऊपर से डाल के यूज करना वेरी बोल्ड। चिकन नाइस मॉइस्ट ब्यूटिफुली कुक्ड, क्रंच ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, ऑरेंज मार्मलेड की बिटरनेस इज वर्किंग। ऑल इन ऑल वेरी गुड डिश। दिस सॉस is making the chicken feel light, which I like. आज के एपिसोड के विनर हैं वेलकम बैक टू वीबा कुक ऑफ पावर्ड बाय दावत बासमती राइस एंड टाटा संपन्न। जजेस की उम्मीद और कंटेस्टेंट्स की मेहनत क्या रंग लाएगी देखते हैं। तो जजेस जब डिसाइड कर रहे थे कि विनर कौन है, तो हम दोनों के दिमाग में एक ही चीज चालू थी कि कौन जीतेगा। और इशारे से मैं सिद्धार्थ को बता रहा कि नहीं तू जीतेगा, और वो मुझे बोल रहा था कि नहीं तू जीतेगा। तो हम दोनों का वही डिस्कशन चालू था। आइए सिद्धार्थ और येन, हम डिसीजन ले तो चुके हैं, लेकिन ये बहुत 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 ही टफ डिसीजन था। जो विनर है उनको विवा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, दावत की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, मेरी तरफ से बुक्स, टाटा संपन्न की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, वंडर शेफ की तरफ से कुकवेयर, और हमारे गिफ्ट पार्टनर डिवोटी। थैंक यू मोदी जी, आपने इतनी बढ़िया किचन में इनको काम करने का मौका दिया। थैंक यू सर, आपने हमको चांस दिया इसमें काम करने के लिए। सिद्धार्थ, पिछले राउंड में आपने बहुत अच्छा किया, येन पिछले राउंड में आप सिद्धार्थ से थोड़ा वीक। आज के एपिसोड के जो विनर हैं जाहिर सी बात है, या येन है या सिद्धार्थ। जब फाइनल डिसीजन का टाइम आया मैं थोड़ा डर गया था कि क्या पता मैं जीतूंगा या नहीं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि आज के एपिसोड के विनर हैं सिद्धार्थ। But well done, yeah. Well done, well done. You were very good as Before well. Before you go, I must tell you, ये पहली बार हुआ है इस कॉम्पिटिशन में कि सेकेंड राउंड में दोनों टाई किया आप लोगों ने। दोनों का कॉम्पिटिशन एक बराबर का था, लेकिन पहले राउंड की वजह से ये एपिसोड में जीत सिद्धार्थ आपकी हुई। वेल डन यार, यू विल बी अ गुड शेफ, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। मैं जरा भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि यहां से मैं बहुत कुछ लेकर जाने वाला हूं और बहुत सारे मेमोरीज, नॉलेज, और शेफ संजीव कपूर के साथ मुझे प्लेटफॉर्म शेयर करने मिला, ये भी बहुत बड़ी बात है। एट द एंड ऑफ द डे आई एम वेरी हैप्पी। Congratulations, you did a great job. कैसा फील कर रहे हैं? I feel amazing right now. Butterflies in my stomach. सिद्धार्थ, दुनिया का बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है, वो कॉम्पिटिशन आपने जीता। जब वहां पहुंचेंगे तो किसको डेडिकेट करेंगे वो जीत? मेरे मॉम डैड को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं मेरे लिए, इसलिए जो भी कुछ मेरा होगा वो मेरे मॉम डैड का सबसे पहले होगा। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम राइट नाउ, बिकॉज ये जो भी मैं जीता हूँ ये मैंने उनके लिए जीता है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट टू से, आई हैव गॉट नो वर्ड्स राइट नाउ। आई एम जस्ट हैप्पी,
I just want my mom to know about this. She'll surely be happy. Well done. Keep it up. Let's go and present Siddharth with the trophy and the certificate, please. Aayye Hariharan ji. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. This lovely trophy. Please present it. And well done. Well done, well done, well done. Our certificate. Thank you. Congratulations. Thank you. Okay, congratulations and well done once again. Thank you so much. Congrats. Okay. Well done. Thank you. Bye bye. Kya baat hai? Ek aur episode, ek aur winner. Isi tarah se ye khel chalta rahega. Ye khel nahi hai. Yahan par zindagiyan banayi jati hain. जिंदगियां जिसकी वजह से काफ़ी लोग खुश होते हैं. खाना बनाना आसान काम नहीं है, चाहे वो होटल हो या रेस्टोरेंट. घर में इतने लोग मेहनत करते हैं, उनको अवार्ड घर वाले दे सकते हैं. अपने घर का शेफ आप ढूंढिए. नमस्कार.